नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहरुख खान जिनको 5 करोड़ 25 लाख में खरीद लिया गया है, बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। कौन है ये खिलाड़ी, इतनी कीमत क्यों मिली, इस खिलाड़ी को लेकर इतना ज्यादा बज क्या था, या फिर इस खिलाड़ी को बस यूं ही पैसे दे दिए गए, सारे सवालों के जवाब देंगे। 2020 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जब चल रही थी, इस खिलाड़ी ने अच्छा परफॉर्म किया था, किसी ने नहीं लिया। उसके बाद इस खिलाड़ी ने हार नहीं मानी। कहते हैं ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं। खैर, मैं भटक गया, अब वापस आता हूं और ये बात आपको बताता हूं, ये सब राइम हो रहा है, कि शाहरुख खान को इस बार 5 करोड़ 25 लाख रुपए क्यों मिले। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने एक बार फिर कमाल की परफॉर्मेंस की, इस बार हार नहीं मानी। उन्होंने बोला फिर कोशिश करूंगा, वापस आऊंगा और बाउंस बैक करूंगा। उन्होंने बाउंस बैक कर दिखा दिया, उन्होंने बता दिया कि आप कोशिश करते रहिए, जीत जरूर मिलेगी। इस बार पंजाब की टीम ने 5 करोड़ 25 लाख बाबा अपराजित के साथ, उनकी साझेदारी याद होगी आपको, सेमीफाइनल में कमाल का परफॉर्मेंस उन्होंने किया था। इसके साथ साथ वो जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे थे, लग ऐसा रहा था कि अकेले दम पर तमिलनाडु की टीम को जिता देंगे, लेकिन तमिलनाडु की टीम जीती तो है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दिनेश कार्तिक की कप्तानी में जैसा पहुंचे हुए थे वहां पर, वो बड़ी सी ट्रॉफी दिनेश कार्तिक को देने के लिए, लेकिन इस खिलाड़ी ने इतना नाम कैसे बनाया, आंकड़े कुछ मेरे पास है। 19 गेंद में 40 रन की पारी हिमाचल प्रदेश के खिलाफ, और इसके साथ साथ छठे विकेट के लिए बाबा परिचित के साथ जो 75 रन की साझेदारी की, तमिलनाडु को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया, और यही वो दमदार परफॉर्मेंस थी जिसने उनके नाम को ऑक्शन टेबल पे हिट करा दिया, उन्हें दिला दिए 5 करोड़ 25 लाख रुपए। 20 लाख के बेस प्राइस से शाहरुख खान को मिल गए 5 करोड़ 25 लाख रुपए। ये क्या बताता है कि हार मत मानिए, सफलता देर से जरूर मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।